जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें कि प्रश्नावली 3.1 है। तो आज हम लोग 3.1 के सही प्रश्नों को बिल्कुल आराम से हल करेंगे। बहुत छोटा सा प्रश्नावली है, इसमें मात्र 3 प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू किया जाए। इससे पहले बाबू बता दे आपको कि इससे पहले जितना प्रश्नावली सभी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल आराम से मैथ सिखाते हैं, तो जरूर देखना है। चलिए तो आया जाए, शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 जो है बाबू, इसका कुछ बेसिक बात है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे बेसिक बात बताते हुए पार होंगे। ठीक है ना, एकदम से बेसिक नहीं करेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगा उसी तरह से। तो इसमें भी बेसिक का उतना जरूरत नहीं, आइए बिल्कुल आराम से आपको सिखाते हैं। तो पहले पहला नंबर प्रश्न को पढ़िए। पहला नंबर प्रश्न है कि आफताब एक आदमी का नाम है, ठीक है। अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, कितना वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले। खाली आराम से समझना है, प्रश्न मैथ का जो है भारी नहीं होता है। कितना बच्चा, यही सब जो प्रश्न होता ना है कि हाँ उम्र से वाला, इस देखिए कि घबरा जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सीखने की बात है। बिल्कुल आपको सिखा करके जाएंगे, खाली देखना है लास्ट तक। ठीक है, चलिए। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, क्या कह रहा कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, एक बात हो गया। फिर कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, आप देखिए सब बनेगा। क्या यह मनोरंजक है, देखने में मनोरंजक जैसा समय में लगा कि ना लगा, कि क्या बात है कि ना, ऐसा है। इस स्थिति को है बाबू जो बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में क्या करना, व्यक्त करना। बीज गणित के मतलब होता है एक्स वाई, जो एबीसीडी वाला रूप होता है बीज गणित हो गया, और ग्राफिया तो जान ही रहे, ग्राफ खींचना है, दोनों करेंगे यहीं पर। चलिए तो पहला नंबर प्रश्न को आइए नीचे लिखते हैं। देखिए यहां पर अब इसको बनाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला नंबर प्रश्न तो पढ़ लिए, अब इसमें क्या करना है कि आफताब अपने से पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। यहां पर हम लोग को ना आफताब की उम्र पता है, ना उसकी पुत्री के पता है, किसी के पता, किसी के ना। जब ना पता रहे बाबू तो मानना है मैथ में, क्या करना है, मानना है। जब ना पता रहे तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आफताब आफताब माना कि आफताब, नया जो पेन है ना उछल रहा है, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, कैसा आयु, वर्तमान, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु मानना है, वर्तमान, वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष बाबू, तो 1 वर्ष, कितना वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, और उसकी पुत्री के, उसकी पुत्री के कुछ अलग मान लीजिए भाई, और उसकी पुत्री की वर्तमान है, यहां पर हम लोग वर्तमान भी लिखेंगे तो ऐसे कर दीजिएगा, तो वही ऊपर वाला बात हो जाता है, आयु बराबर कितना, तो इसके मान लेते हैं वाई वर्ष। ठीक है, अब बाबू हम लोग अपन मान से चल रहे हैं कि प्रश्न से, तो प्रश्न से, तो यहां पर लिखेंगे कि प्रश्न से, या प्रश्न अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से, प्रश्न में है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, कौन कह रहा है, आफताब, तो आफताब वाला उम्र को लिखेंगे यहां पर 1 है, और क्या है, 7 वर्ष पूर्व, और इसका बेटी वाला उम्र, दोनों को यहां पर लिख लिए। ठीक बात, अब यहां पर समझिए, आफताब कह रहा है मतलब कि एक्स कह रहा है, आफताब की उम्र क्या है, एक्स, तो एक्स कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कितना वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले, तो इसमें से 7 घटावेंगे, अभी दोनों वर्तमान है तो कि खाली एक ही को में से 7 घटावेंगे, दोनों में से, तो दोनों में से ऐसा कहा है, तो अभी समझिए, मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 15 वर्ष है, कितना है, 15 वर्ष, और मेरा अभी उम्र है 20 वर्ष, कितना, 20 वर्ष। ठीक है, ये मान लेते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व में कितना वर्ष के हम दोनों होंगे, तो 5 वर्ष पूर्व आप होंगे 10 वर्ष के, हम कभी 20 वर्ष के होंगे कि हम ना घटेंगे। तो बाबू उम्र होता है कि बोला जाए एक के लिए, लेकिन काम होता है दोनों के लिए, बोला जाए एक ही के लिए उम्र में, कहा कि दोनों तो घटेगा, तो सब पूरा दुनिया वाला के घटेगा,
अभी जैसे मतलब कि ये 40 वर्ष के 5 वर्ष पूर्व 37 वर्ष का होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो आप साहब जो 5 वर्ष पूर्व जो है 7 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, तो 7 वर्ष घटेगा तो उसके बेटी भी घटेगा 7 वर्ष। बात समझ में आया? पूर्व जाइएगा तो सब घट जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, दोनों के 7 वर्ष पूर्व कर दिए हैं। आप तब कह रहा, आप तब ही ना है ये कह रहा है कि हम तुमसे 7 गुनी थे, ये 7 गुना है, ये कितना गुना है? 7 गुना। तो हम लोग बाबू 7 से जाकर के इसमें गुना कर देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा? कहा जाए कोई क्या गुना कर देना है कोई में, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो मैथ बन जाएगा और क्या। जब दोनों तरफ बराबर हो गया, बराबर की चिन्ह आया कि ना आया? बात समझ में आया कैसे हुआ? 7 गुना है आप तब, लेकिन गुना करेंगे इसमें तब दोनों तरफ बराबर होगा। अगर आप तब वाला में गुना कर देते और 49 गुना हो जाता, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? यही मैथ का नियम होता है, इसको समझ गए तो बस आपका काम हो गया। कि बोला जा रहा किसी में हो जाता है किसी में, तब दोनों तरफ हम लोग को मैनेज करना है, दोनों तरफ बराबर हो गया तो फिर इधर से उधर भेजने का काम हो जाएगा, बस। चलिए आगे बढ़िए। एक्स माइनस 7, उधर में बाबू 7 से बाय में गुना करेंगे तो 7 बाय माइनस का 749, दोनों में गुना करना पूरा में 7 बाय फिर 749। एक जाति वाला को एक तरफ करिए तो एक्स है 7 बाय, इधर जाकर माइनस के 7 बाय हो जाएगा, उधर बाबू माइनस 49 है 7, इधर माइनस उधर जाकर के प्लस में 7 हो जाएगा। एक्स वाला बाय वाला को एक तरफ कर लिया है। चलिए आगे बढ़िए। तो आगे यहाँ पर एक्स माइनस 7 बाय बराबर 49 माइनस में, मतलब कि 49 घटेगा किसमें से? तो 7 प्लस में, तो प्लस वाला से तो 7 रुपया में से 49 रुपए घटा तो माइनस के 42 रुपए बचेगा। ये देखने में समीकरण जैसा आपको लग रहा है एक्स वाई वाला, तो समीकरण जैसा लग रहा था, यहाँ समीकरण एक कर दीजिए, ठीक। हाँ अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग यही तक अभी पढ़े किया कि बस 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यही पढ़े अभी। फिर अभी आगे और पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है? प्रश्न में, तो लिखेंगे पूना प्रश्न। तो क्या लिखेंगे? पूना प्रश्न। तो आप लोग नीचे जाकर के लिखिएगा, हाँ पूना प्रश्न से, जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखना है, पूना प्रश्न से। काहे पूना प्रश्न से? काहे के अभी आधे ना हुआ, आधे में इतना पहुंचा दिया, अभी आधा और है। अब से 3 वर्ष बाद बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है? आप साहब। तो आप साहब वाला उम्र को लिख किया, उसके पुत्री वाला को लिखे, दोनों को पहले लिख लेना है। आप तब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, बाद तो बाद पूरा दुनिया के बाद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अभी 15 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष हो जाएगा 18, अभी मैं 20 वर्ष का हूं तो 3 वर्ष हो जाएंगे 23, हो जाएंगे ना? हाँ ये वो के बोला जाए, लेकिन बाद कहने का मतलब पूरा सबको जितना दुनिया में सब बढ़ जाएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद तो सबकी उम्र बढ़ेगा, बस। तो 3 वर्ष बाद दोनों में कितना जोड़ देंगे? तो 3 जोड़ देंगे दोनों में। हाँ मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, आप तब कितना गुना रह जाएगा? यह बोल रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, 3 से जाकर के गुना उसके पुत्री वाला में कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 3 गुना रह जाएगा, ई 3 गुना ही ना रह जाएगा, तो उसमें 3 से गुना करिए तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अगर आप तब वाला में 3 से और गुना कर देते, पहले से 3 गुना है फिर से 3 गुना, तो 3 से 9 गुना और बड़ा हो जाता, तो दोनों तरफ बराबर होता? तो नहीं होता, नहीं होता तो फिर बनता कैसे? इधर उधर होता कैसे? जब तक बीच में बराबर का चिन्ह नहीं आएगा तो समीकरण हो भी नहीं करेगा, समीकरण होगा नहीं, जब तक बनेगा नहीं। तो ये बात को थोड़ा ध्यान देना है मैथ में, इस बात को क्या करना है? ध्यान देना है। चलिए आइए सब इसको थोड़ा आगे पहुंचाइए। एक्स प्लस 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बाय प्लस में 3 तिहाई किया तो 9। अब जाति वाला को एक तरफ करिए, एक्स 3 बाय इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर है 9, 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 3 घटेगा तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 3 बाय बराबर उधर 9 में से 3 घटा 6। देखिए एगो समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ हो गया, बस। हम लोग को बाबू दो रूप कह रहा था कि बीज गणितीय, पहला कौन सा रूप? कि बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीज गणितीय हो गया, इसी को कहते हैं बीज गणित, इसी को क्या कहते हैं? बीज गणित। तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, बीज गणितीय हो गया, बस। इसको हल नहीं करने के लिए बोला जा रहा, बीज गणितीय रूप में इसका मान निकालने के लिए, चाहे पूछा जाता कि इसका वर्तमान उम्र बतावे, सब लोग उम्र बताते, खाली कह रहा बीज गणितीय, तो बन गया, समझ में आया? अब क्या बनवाएंगे? तो आप इसका ग्राफीय रूपों में, तो आप इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ। चलिए तो अब आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाते हैं। तो देखिए ग्राफ वाला पेज आ गया, अब यहाँ से ग्राफ है, तो ग्राफ बनाने के लिए बाबू अब सीखना होगा, सीखिए। तो दो समीकरण रहता है, तो दो समीकरण ऊपर में आया ना, उसी समीकरण से बनेगा ग्राफ है।
लिखेंगे क्या कि समीकरण एक से, क्या लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक को ऊपर से लिखेंगे, क्या था एक्स माइनस सात वाई बराबर माइनस का 42, यही ना था, देख लीजिए, देखिए एक्स माइनस सात वाई बराबर माइनस का 42। फिर समीकरण दो की जरूरत पड़ेगा तो ये वाला लिखेंगे एक्स माइनस तीन वाई बराबर में 6, ठीक है। चलिए तो समीकरण एक से अब यहां पर आपको क्या करना है, तो इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है बॉक्स बनाना है, इस तरह से यहां पर लिखना है एक्स, यहां लिख देना है वाई, बस। अब यहां पर कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, एक समान यहाँ एक्स है, तो एक्स वाला मैं अपना मान से कुछ उसमें रखिए तो वाई में कुछ आ जाएगा, लेकिन सीधा सीधा आवेगा तो यहाँ सीधा ठीक से बनेगा, अगर आप में टेढ़ा मान लीजिएगा तो टेढ़ा बनेगा, जो आपका मन हो वही मानिए, सीधा मानना है तो सीधा, टेढ़ा माने तो टेढ़ा। तो चलिए यहाँ पर जो मानना है बाबू हम लोग आइए मानते हैं, तो एक्स कुछ मान सकते हैं, कुछ बनेगा सही बनता है, ठीक, ये अगर आपका नियम है कुछ भी मान लीजिए। हाँ देखिए यहाँ पर एक्स, एक्स का मान अगर हम लोग जीरो मान लेते हैं, अगर मानने के मान के यहीं पर मानने में सोचना है, मान में बाबू ना सोचे आवे तो फिर रफ में करना है काम, तो यहाँ पर आपको हम बतावेंगे भी कि एक्स में जीरो मान रहे हैं तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा जीरो, माइनस का बचेगा सात बाई, तो लिखेंगे सात बाई बराबर है माइनस 42, ठीक है, बचेगा ना, यहाँ पर जीरो है तो जीरो में से सात बाई घटेगा तो वही माइनस के सात बाई बचेगा, उधर में बाबू माइनस का 42 है तो माइनस से माइनस कटा, अब बाई बराबर क्या आ जाएगा तो उधर 42, सात इधर सटा हुआ था गुना उधर करके सात हो जाएगा भागा में, तो सात छह का 42 यानी कि बाई का मान क्या आ गया तो 6 आ गया। इसको माने में करना है तो मान में इतना ना होगा, बिल्कुल हो जाता है करते करते प्रैक्टिस रहेगा तब, ना ही तो बाबू एग्जाम में रफ का ढेर सारा पेज रहता है पीछे से जाकर रफ करना है, सामने करिएगा तभी अच्छा माना ही जाएगा, लेकिन ना करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, सामने भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे करिएगा तो बहुत अच्छा, ये ऐसी बनता है, ठीक है। चलिए तो एक्स में हम लोग क्या रखे थे, एक्स की जगह पर देखिए एक्स की जगह पर जीरो रखे थे, तो एक्स के मान में यहाँ जीरो रखिए, एक्स है ना मान बॉक्स, एक्स में जीरो तो बाई में खुदे से आ गया 6, तो बाई की जगह पर 6 रखेंगे, बात समझ में आया, ये सब कहाँ करना है इतना मान में करना है, यहाँ पर नहीं करना है नहीं तो रफ में करना है, ठीक बाबू, हाँ रफ में करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ पर सामने ना करना है, कर दीजिए तो कोई गलती ना होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए तो हम लोग एक्स का मान रखे थे, अब फिर एक्स का नहीं, अब बाई में कुछ मानिए, बाई का बॉक्स यहाँ है तो बाई में कुछ मानिए तो एक्स का कुछ आ जाएगा, कुछ मान लीजिए जो सुविधा बुझाए, तो जैसे देखिए बाई में अगर हम लोग यहाँ पर जीरो मान लेते हैं तो पूरा हो जाएगा जीरो, तो एक्स का माना जाएगा माइनस के 42, जो कि बहुत लंबा चौड़ा 42 है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन ना माने कि बड़ा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी एक्स में मान लेते हैं एक, जब यहाँ पर एक मानेंगे तो जाके इधर जुटेगा तो घटेगा तो बाबू बचेगा सात में से 42 घटेगा तो माइनस का 35, 35 भी बड़ा है, बड़ा है कि ना, जैसे 6 है तो हम लोग खोजेंगे कि 6 के लगभग में आ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लिखने के 42 भी लिख दीजिए बन जाएगा पूरा आराम से बनेगा, ठीक है। चलिए लेकिन जितना छोटा उतना कर देना है, 42 रहेगा बाबू तो दूर दूर मानना है, जैसे 5, 10, 15, 20 करके जाइएगा तो तुरंत 42 के पास पहुंच जाएगा, सही बता देंगे, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए तो एक्स में एक माने थे, इसी तरह से एक्स में दो मानेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 इधर आके जुड़ेगा तो कितना मान सकते तो 49, 7 मानेंगे तो 6 मानेंगे तो काम चलेगा, 6 7 42 प्लस में 42। हाँ देखिए अगर बाय में 6 मानेंगे तो वो तो 0 आ ही जाएगा, तो सेम दोनों मिल जाएगा ना, तो सेम ना मिला देना है, सेम ना मिला देना है, तो बाय में मान लेते हैं 7, क्या मानेंगे 7, जो मन करे बाबू की नजदीक में पहुंच जाए, 5 मानने से नजदीक में पहुंच जाएगा, 5 मानेंगे तो 7 5 हो जाएगा 35 जुटेगा, 35 में से तो माइनस क्या आ जाएगा, क्या आएगा माइनस क्या आएगा, तो हमको माने के माइनस में ना आवे तो प्लस मिल जाइए, तो इसको हम बढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे कोई भारी बात नहीं है, देखिए पहले देखना है बिल्कुल आराम से बनेगा, एक्स है तो एक्स माइनस बाई की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं 7, तो 7 7 ऐसे करेंगे 7 बाई की जगह पर 7 हो गया बराबर के माइनस 42, तो एक्स माइनस 7 7 49 उधर में माइनस के 42, ठीक है, तो एक्स इधर माइनस 49 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो 42 और प्लस के 49, ठीक है, एक्स का मान 49 में से 42 घटेगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, प्लस में 7 आ गया, 7 है ना प्लस में, बिल्कुल। अगर बाबू बाय में हम लोग क्या माने, बाय में माने थे 7, बाय में माने थे 7 तो एक्स में भी 7 आ गया, अच्छा बाय में माने 7 तो एक्स में भी आ गया 7, ये बात समझ में आया, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको मान था कि प्लस में लाए तो प्लस में ले आए, अगर आपको मन है नहीं तो इतना ना रखना चाहते हैं तो सीधा बाय में जीरो रखे थे, पूरा जीरो हो जाएगा। एक्स का मान कितना जाएगा, 42 माइनस 42 आ जाएगा कि ना। देखिए यहाँ पर जीरो रखे होंगे बाय की जगह पर, पूरा हो जाएगा जीरो, तो एक्स का मान तुरंत आ जाएगा माइनस 42। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाबू बाय में रखे 7, तो ये हो जाएगा बाय में रखे 7, एक्स में भी क्या आया 7 आया, इतना आ गया समीकरण एक से। अब इसी तरह से समीकरण दो को भी करना है, इसी तरह से किसको करना है समीकरण दो से, चलिए आ तीनों में ऐसा ही करना है। अब लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो ऊपर में क्या है, एक्स माइनस 3 बाय बराबर 6। देखिए लिखेंगे एक्स माइनस 3 बाय बराबर 6, फिर एक बॉक्स बना देंगे। अब चलिए इसका मान इसी तरह से फिर क्या करना है, एक्स वाई लिखना है, अब एक्स में रखिए तो एक्स में अगर जीरो रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं जीरो, तो एक्स में जीरो रखेंगे बहुत ऐसे हो जाएगा, एक्स में जीरो रख रहे हैं तो यहाँ जीरो माइनस के 3 बाय अब बराबर में क्या तो 6, तो जीरो में से 3 बाय घटेगा तो माइनस के 3 बाय बराबर 6, तो बाय बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा में माइनस 3, दो बार में कटेगा तो बाय के मान आ जाएगा माइनस के 2। एक्स में रखे थे जीरो तो बाय में आ गया माइनस के 2, बुझाया तुरंत आ गया। अगर बाबू माइनस में आ रहा है तो छोटा तो है तो छोटका को लिख लेंगे, अगर आपको माने क्या माइनस में ना लिखे तो एक्स के जगह पर कुछ और रखिए, एक रखिए दो रखिए, बिल्कुल आ जाएगा प्लस में भी, ठीक है। लेकिन छोटा कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे ऊपर लिखिए, कुछ बता दिया शुरू में कि कुछ जो आपको मन करे ऊपर लिख सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक्स में तो जीरो रखे थे, अब बाय में क्या रखे, बाय में अगर जीरो रखेंगे, देखिए बाय में यहाँ पर बहुत 3 बाय है तो बाय की जगह पर जीरो रखेंगे तो पूरा हो जाएगा जीरो, तो एक्स का माना जाएगा 6, बाय में जीरो रख रहे हैं तो एक्स का माना जाएगा 6, दोनों का मान तो तुरंत आ गया। अब तुरंत आ गया दोनों में, दोनों जो बॉक्स है इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कितना, तो सबसे बड़ा 7 है और सबसे छोटा में माइनस 2 है, तो माइनस में जाना है 2 तक, ज्यादा भी नहीं जाना है, जाइएगा तो कोई गलती ना है, माइनस में जाना है 2 तक और प्लस में जाना है 7 तक, तो ऐसा ग्राफ है हम लोग को करना है, ठीक है। तो इस तरह से जाकर के सीधे क्या करना है, फाइव पारना है, सीधा स्केल से आप लोग करिएगा। ऊपर में क्या लिखना है, तो ऊपर में लिखना है बाबू बाय, नीचे में लिखना है बाय डैश, ठीक। इधर लिखना है एक्स डैश, इधर में लिखना है एक्स, बात समझ में आ रहा है। इधर में लिख देना है यहाँ पर जीरो, क्या लिखना है जीरो, फिर इस तरह से इधर एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक दो, आगे इस तरह से 3, इधर लिखना है कितना लोग उधर लिख देते हैं जो कि गलत होगा, 4 5, इधर लिखना है बाबू 6, कितना तक जाना है तो उस बार 7 तक जाना है, ठीक। इधर में नीचे जाइए तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इधर जाइए माइनस में हो जाएगा 1, फिर माइनस का 2, बस माइनस में लोग को 2 तक आया है बॉक्स में, ज्यादा 2 ना है, बस 2 तक जाइए, 3 4 लिख दीजिएगा तो गलत ना होगा, तो क्यों जाए, ठीक ना। इधर माइनस में होता है तो माइनस 1, फिर इधर माइनस का 2, बस माइनस 2 तक इतना हो गया। अब यहाँ से खोजिए, रखिए एक्स में जीरो, एक्स में यहाँ पर देखिए ऊपर में जीरो, एक्स में कितना है तो जीरो, बाय में 6 है, एक्स में क्या है जीरो, बाय में 6, तो एक्स में जीरो, तो एक्स में जीरो यहाँ पर मिलेगा जीरो तो बिक्स में मिलेगा, अब बाय में जाना है 6, तो बाय में 6 ऊपर में, तो यहाँ अब इसको इस तरह से ऐसे कर देना, ठीक है, इस तरह से बूंदा मतलब दे देना है। अभी बना है बूंदा किस से, तो ये बना है बाबू इससे, किस से, जीरो 6 से, तो यहाँ लिख दीजिए 0.6, ठीक है। आगे देखिए फिर एक्स में 7, बाय में भी 7, एक्स में 7 यहाँ पर मिलेगा, मिला ना, अब बाय में 7 ऊपर, तो बाय एक्स में 7 यहाँ, देखिए कहाँ, यहाँ पर, अब बाय में 7 यहाँ, अब दोनों कैसे मिलेगा, तो ई वाला रेखा जा रहा है इधर जा रहा है, ई वाला जा रहा है इधर, दोनों कहाँ से मिलेगा, तो नीचे से जाएगा तो दोनों मिलेगा यहाँ पर, यही ना मिलेगा, ई वाला मान लीजिए इधर ऐसे गया, ई जाएगा ऐसे, तो यही ना मिलेगा, बस समझ में आया। पाई पार नहीं देना है, आपको दिखाने के लिए ऐसे किए हैं कि आपको बुझाए, कहाँ मिलेगा बाबू,
यहां मिलेगा, इधर से सात आया, इन सात इधर से गया, 21 से बना है तो 7.7 से, तो लिख दीजिए 7.7। अब दोनों जो आया है पॉइंट, इस पॉइंट को सीधे स्केल से मिला देना, क्या करना है मिला देना, सीधा क्या करना है, एकदम सीधा खींच देना, ठीक है। अब ये जो सीधा खींच करके, यहां तो सीधा ना हुआ लेकिन आप लोग सीधा खींचेगा, घींच करके ये जो समीकरण है, इस समीकरण की ग्राफ रेखे पर लिख देना, समीकरण क्या है तो एक्स माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 है, ठीक। बस हो गया, एक ग्राफ खींचा गया। अब नीचे वाला को खींचिए, एक्स में जाना है 0, बाय में माइनस 2, तो 0 तो यहां मिलेगा, बाय में माइनस 2, तो बाय में माइनस 2 कहां, नीचे, तो यहां पर इस तरह से पॉइंट दीजिए, यदि है आगे एक्स में 6, बाय में 0, तो एक्स में 6 यहां पर मिलेगा, बाय में 0, मतलब कि ऊपर जाना ना नीचे, यहीं पर। अभी दोनों पॉइंट को पहले दीजिए, पॉइंट का नाम लिखिए, सही बना है माइनस 2 बना, इससे 0.-2 से, तो यहां पर लिख देंगे कि 0.-2 हो गया। अरे बाबू 6.0, यहां पर क्या लिखेंगे, 6.0, ये वाला पॉइंट का नाम। और दोनों पॉइंट को सीधा ग्राफ से मिल, इस तरह से स्केल की सहायता से क्या करेंगे, सीधा ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट पर दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान दे देना है, क्या करना, तीर का निशान। इस रेखा पर आप समीकरण इसका लिख दीजिए, इस रेखा पर समीकरण, समीकरण इसका क्या है, एक्स माइनस 3y बराबर 6 लिख दीजिए, एक्स माइनस 3y बराबर 6, बस हो गया काम क्लियर। ये ग्राफ यहां पर नहीं कट रहा है लेकिन आगे जाकर के कहीं काटेगा, दोनों क्या करेगा, काटेगा, ताकि दोनों एक तरफ जा रहा है, आगे जाकर के दूर काटेगा, जहां काटता वही आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर तो आंसर हो नहीं रहा इसमें। हाँ बात बिल्कुल सही है, ग्राफ बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत नहीं है, हम लोग को खाली यही करना था, ग्राफी भी कर दिए, बस समझ में आया बात, तो समझ में आया तो आगे बढ़िए। अब दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, बिल्कुल आसान ये प्रश्न है, उससे आसान है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, 3 को बल्ला और 6 को गेंद खरीदा, हम लोग को एक को बल्ला के दाम पता है बाबू, न 6 मतलब कि ना एक बल्ला के हम लोग को दाम पता है, ना एक गेंद का पता है, लेकिन 3 व 6 को मिलाकर के 3900 में हुआ है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 में खरीदे, इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, बीजगणित या ज्यामिति मतलब ग्राफ खींचना, देखिए तो एक बल्ला के हम लोग को दाम पता है नहीं, तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की, माना की एक, क्या एक बल्ला, ये वो लिखा जाता बल्ला, दो तीर है तो बल्ले, एक बल्ला, एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का क्या है का मूल्य कितना, तो 100 रुपया, कितना बाबू 100 रुपया, और एक बल्ला हो गया, अब एक गेंद, एक गेंद का मूल्य, मूल्य कितना एक गेंद का, तो 2 रुपया, क्या लिखेंगे 2 रुपया। प्रश्न से, प्रश्न से अब चलिए क्या प्रश्न में है, तो प्रश्न से, प्रश्न में है कि 3 बल्ले, तो बताइए आप ही कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x, 3 बल्ले का तो 3x लिखिए, 4 बल्ले रहे तो 4x, ए ओके 100 रुपया, तो 2 के 2x, 3 के 3x, ठीक है। फिर 6 गेंद, एक गेंद का यहाँ पर मान है 2 रुपया, तो 6 गेंद का हो जाएगा 6 2 हो गया कि ना, और दोनों को मिलाकर के 3900, मिलाने का मतलब जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना 3900, तो लिखेंगे बराबर में 3900, ठीक है। तुरते आ गया समीकरण का रूप, आ गया कि ना। अब बाबू जब समीकरण का रूप आ जाता है तो उसमें देखना थोड़ा है कि कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिएगा तो आसान आपके लिए होगा, नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब कॉमन ले मिल रहा है, आपको बुझा रहा है कि कॉमन यहाँ पर हम ले सकते हैं तो ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 3 6, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 को ले लेंगे कॉमन, 3 चला गया तो 1 से बचेगा, यहाँ पर बाबू 3 चला गया 6 में से, तो 2 बचेगा, तन होगा द्वितीय 6, अब बाय है तो बाय बराबर में उधर 3900, ठीक है। चलिए तो 3 इधर से आता हुआ है तो गुणा उधर जाकर के 3 हो जाएगा, भाग में इधर बचेगा x प्लस का 2y बराबर में 3900, ठीक है 3900। 3 इधर से आता हुआ था गुणा उधर जाकर के 3 भागा में, 3 से 3900 कटेगा क्या बार में, तो 1300 बार में 1300 किया 3900 हो जाएगा, तो x प्लस के 2y बराबर में क्या उधर, तो 1300। इसको करेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो अभी बाबू हम लोग आधा ही पढ़े थे, अब आधा है यहाँ पर नीचे कि बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में फिर, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, आप लोगों को बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा दम आराम से समझ आ रहा है बाबू, पुनः प्रश्न से आ जाना चाहिए पूरा,
एक और बल्ला, एक बल्ला, तो एक बल्ला का देखिए माने थे क्या 100 रुपया, तो 100 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार के तीन गेंदे, तो एक गेंद के बाबू मूल्य 22 रुपया, तो तीन गेंदे के 3 बाय, तीन गेंदे के क्या 3 बाय, दोनों को जोड़ करके आपकी लगा 1300 रुपया, कितना आएगा 1300, यहाँ पर लिख देंगे 1300। बस समीकरण बन गया। तो इसमें बाबू अब कुछ कॉमन भी नहीं हो रहा, यहाँ तो कॉमन हुआ था, इसमें कॉमन होगा नहीं। तो देखिए तो इसको करेंगे समीकरण 2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो समीकरण 1 है, जो समीकरण 1 है वो समीकरण 2 नहीं है, नहीं ना है, तीन गेंदे, हाँ बिल्कुल। कई किताब आप देखिएगा, कई किताब देखिएगा बाबू, वहां पर समीकरण 1 और 2 दोनों सेम हो जाता है। ये किताब बिल्कुल सही है, ये किताब क्या बिल्कुल सही है। हाँ ऐसे बाबू ऑफलाइन बहुत से बच्चे आते हैं जो किताब मतलब गलत उसमें टाइप कर दिया गया, ठीक है, ये किताब क्या बिल्कुल सही है। उसमें बनाते बनाते दोनों समीकरण ही एक हो जाता है, यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तीन यहाँ तो नहीं हुआ, बिल्कुल ना हुआ, ये बिल्कुल सही है। अब ऑफलाइन में हो जाता था कि प्रश्न गलत है, क्या करते थे प्रश्न गलत है, सही किसी के पास किताब नहीं था, यहाँ पर सही किताब मिल गया, बिल्कुल सही है। आप लोग भी देखिएगा बाबू, तो यहाँ पर आप लोग के बुक में शायद से 3 की जगह पर 2 होगा, जिनके पर 3 है तो मानिए कि आपका बुक सही है, ठीक है। चलिए ये दोनों समीकरण आ गया, समीकरण 1-2 को क्या करना है, हल करना है। तो हम लोग को बाबू करना था बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप हो गया, तो आंसर लिख देना है। इसका मान नहीं निकालना है, कहीं लिखा हुआ है कि एक बल्ले का मूल्य निकाले, नहीं लिखा हुआ, खाली बीजगणितीय, तो बीजगणितीय हो गया। आप बाबू जो ज्यामितीय रूप, आप कौन सा रूप, ज्यामितीय, तो ज्यामितीय के लिए इधर ग्राफ वाला तैयार है, ज्यामितीय। तो ज्यामितीय कैसे बनता है, तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, ऊपर में आया है x प्लस में था बाबू 2y बराबर में 1300, है ना, तो लिख लिए। इसको लिखना ही क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, यहां हो गया x, यहां y। अगर x में 0 मान लेंगे तो y का मान आ जाएगा 650, कहा कि 2 इधर साटा हुआ है तो गुना मुझे जाके 2 हो जाएगा भागा में, 1300 में 2 से भाग देंगे तो 650, 650 बड़ा संख्या है कि ना है, तो बड़ा है तो उसको ना ही लीजिए, छोटा करिए, अनुमान है तो ले भी सकते हैं। तो 650 कैसे मिलेगा, इतनी वो ग्राफ है मिलेगा, 100 के ग्राफ ले लेंगे, जैसे कि 1-2 लेते हैं यहाँ पर, इसे लेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाबू क्या 100, फिर लेंगे 200, क्या लेंगे 200, इसी तरह से 300, तो 650 तो तुरंत आ जाएगा। हाँ तो ना होगा तो उपाय करेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना उपाय कर देना है, ठीक है, बढ़ के ले लें बाबू। चलिए एक ग्राफ और, जो दूसरा समीकरण उसको भी लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300 है। दूसरा समीकरण है समीकरण 2 से, x प्लस में 3y बराबर में 1300 है, ठीक है। तो यहां x हो जाएगा यहां y, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बाबू देखिए, x में अगर 0 रखेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, समझिए 0 में 2y को जोड़ेंगे तो 2y ना रहेगा, उधर हो जाएगा 1300, तो 2 इधर 2 को भेजेंगे तो y बराबर 1300 बटा में क्या हो जाएगा, तो 2 काटेगा क्या बार में, तो 650 बार में y का माना जाएगा 650। चलिए बड़का मान ही ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, समीकरण बनाना सीखे होंगे ये सब। हाँ ये सब काम कहाँ करना है, तो बेसिक में करना, बाबू रफ में करना पीछे। तो देखिए x का मान क्या रखे थे, 0 तो नहीं आया, तो 0 लिखेंगे, y का मान आ गया 650, यहाँ लिखिए 650, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब y में कुछ मान लीजिए, y में अब कुछ मान लीजिए, देखिए तो y में बाबू मानेंगे 0 तो पूरा हो जाएगा 0, तो x को माना जाएगा 1300, ये 1300 बहुत बड़ा है, कहा कि 13 बार 100 भी लिखेंगे तो 13 लाइन जाना होगा, तो 13 लाइन शायद से नहीं दिखाई दे रहा कि 13 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो y का मान ले लेते हैं, 1 लेंगे तो 1 लेंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 200, तो उधर घटेगा तो हो जाएगा क्या 1100, 3 लेंगे तो हो जाएगा 6, हाँ 3 मान लेते हैं, y का मान क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 लेंगे तो फिर y नहीं, y का मान लेंगे 0 से तो काम ना चला, तो 0 के बाद 100 लेना है, 1 से कम चलेगा, क्या लेंगे 100, तो यहाँ पर बाबू 200 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 600, हाँ y का मान यहाँ पर मान लेते हैं 300, समझिए बातों को, समझना है, दिमाग अपना लगाना है यहाँ पर, है ना, तो जैसे बना रहे बाबू से सीखना है। 2y है तो 2 लिखेंगे, अब y की जगह पर लिख रहे हैं 300, क्या लिख रहे हैं 300, और उधर 1300, ठीक है। तो x प्लस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600 उधर 1300, 600 उधर जाकर के हो जाए माइनस में, तो x बराबर घटेगा बाबू, तो 1300 में 600 घटेगा तो 700 बचेगा, 700 आ गया ना, यहाँ पर लिख देंगे 700। अभी देखिए ये सब है जो लगभग में है,
1300 हो गया था कि जैसे 600 को 700 तो आ जाएगा, 1300 मतलब 13 लाइन कम से कम तो जाना होगा है ना। जब कोई उपाय ना रहता तो लास्ट उसी को लेते, उपाय है तो भी इसको कर देना है, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ, बाई के बजाय पर बहुत जीरो रख रहे थे तो 1300 आ रहा था, 100 रखे तो फिर 1100 आ रहा है, और 200 रखे तब 2 3 6 हो, अच्छा 300 रखे ना, हाँ 300 रखे, ठीक है। चलिए और कुछ मन करता तो और कुछ रख सकते थे, लेकिन आंसर अगर सही में आएगा तो आंसर सब से एक ही आता है, चाहे कुछ को मान लीजिए सही होना चाहिए खाली। चलिए आगे, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें एक्स के जगह पर बाबू जीरो मान लेंगे तो ये फिर देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात है, एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे तो हो जाएगा 3y, क्या होगा 3y बराबर में 1300 होगा ना। अब y का मान 1300 बटा में 3, कट भी ना करेगा तो ऐसा ना मान लेना कि ना काटे, ना काटे वाला फिर बनेगा लेकिन पूरा पूरा मान आएगा नहीं आएगा, कठिन रहा तो पूरा मान कैसे आएगा। हाँ तो ऐसा ना मान लेना है, ऐसा ना मान लेना है। तो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, तो जीरो से ना काम चला तो 100 से चल जाएगा, 100 से चल जाएगा, यही बात है। 100 रखे, 200 रखे, 300 रखे, सबसे चलेगा, खाली आपको काट जाना चाहिए, चाहे जिससे कटे, चाहे जिससे कटे। तो एक से जगह पर बाबू 100 रखेंगे, देखिए तो 100 ये काम कहाँ करना है, रफ में 3y बराबर मुद्दा 1300, ठीक है। 100 इधर प्लस मुद्दा जाकर माइनस में हो जाएगा तो 3y बराबर घटेगा ना, तो 1300 में 100 घटा तो 1200, तो 3y बराबर इधर y बराबर लिखेंगे 1200, 3 जाएगा उधर नीचे तो क्या बार में घटेगा, 4 बार में यानी 400 बार में, तो y का माना जाएगा 400। बात बुझाया? x के जगह पर रखे थे बाबू 100 तो y के मान आ गया 400, ये हो गया काम, ये हो गया काम। चलिए अब इसी तरह से y के जगह पर कुछ रख लेना है, इसी तरह से y के जगह पर कुछ रख लीजिए कि x का पूरा पूरा मान निकल जाए। देखिए y के जगह पर जीरो रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 1300, सीधा आ जाएगा 1300, 1300 बड़ा है तो उसको छोड़ दीजिए। तो y के जगह पर 100 रखेंगे ये हो जाएगा 100 3 300, इधर जाकर घटेगा 1300 में से 300 घटेगा तो 1000, 1000 भी थोड़ा बड़ा लगा इसलिए उसको भी छोड़िए। तो 200 रखेंगे बाबू तो 2 3 600, ठीक है। y के जगह पर क्या रखेंगे 200, यहाँ 200 रखेंगे, ठीक है। तो 200 में 3 से गुना करेंगे तो 600, 600 इधर प्लस में 600 हो जाएगा माइनस में, 1300 में 600 घटा तो 700 बचा, ये बात हो गया, ये बात हो गया। अभी जब बात हो गया तब इसको ग्राफ पर लेकर आ जाइए, सबसे बड़ा इसमें कितना है, तो सबसे बड़ा है 700, सबसे छोटा है 0, माइनस में तो है नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए तो और क्या, हाँ तो बाबू ग्राफ में कोई नियम नहीं होता, एकदम बीच में जाकर के पाई फाड़ना है, कहीं यहाँ पर भी फाड़ सकते हैं, कहा कि हम लोग को 13 बार उधर जाना है, माइनस में नहीं ना है तो माइनस वाला को लिखना भी नहीं है, ठीक है। चलिए लेकिन हाँ सीधा बनाना है, क्या करना है सीधा बनाना है। यहाँ पर बाबू नया नया पेन आया है, पेन जो है ना नया नया आया है तो उछल रहा है, अभी रगड़ाया नहीं है और ये ग्राफ पर चल रहा ना है। आप लोगों को क्या करना है, दाम सीधा से फोटो से नहीं ना कटेगा जी, कट जाएगा का मेरा वाला फोटो ये से, तो क्या थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, चलिए। तो ऊपर में क्या लिखा जाता है बाबू, तो y लिखा जाता है, नीचे में y डैश, इधर में x डैश और उधर में x, ठीक है। एक कोना में जीरो लिखा जाता है, बात समझ में आता है। हाँ यहाँ एक क्या लिखेंगे, तो 100 लिखेंगे, बड़ा बड़ा ना है 100, यहाँ पर क्या तो 200, यहाँ पर 300, इस तरह से छोटा छोटा अक्षर 400, फिर 500, फिर आगे 600, फिर 700, बस 700 तक जाना, ज्यादा जाना नहीं है। ऊपर में चलिए कितना तक, 700 तक, तो लिखेंगे 100, फिर हो गया 200, फिर 300, फिर आगे 400, बुझा रहा है, फिर आगे 500, फिर आगे 600, फिर 700, बस माइनस में तो हम लोग को जाना नहीं है। खाली यहाँ जब 100-100 न माने हैं तो यहाँ पर लिख देना, अगर आप में कोना में पैमाना, क्या लिखना है पैमाना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100, क्या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 माने हैं, ठीक ना। हाँ अब पिछला में लिखने की जरूरत नहीं है, कहा कि 1 सेंटीमीटर वहां पर एक ही माना गया है,
एक दो तीन गए हैं, 1 सेंटीमीटर एक ही तो है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जब पैमाना अलग मानिएगा ना अपना मन से, तब ऐसे अलग कहा माने कहा कि बड़ा बड़ा मान था इसलिए। चलिए अब यहाँ देखिए, 1 में 0 बाय में 650, तो 1 में 0 यहाँ बाय में 650, तो 600 और 700 के बीच में मिलेगा 650 यहाँ पर, हो गया समझ में आया। अब यहाँ पर लिख दीजिए कौन सा बना है, तो 0 650 है, तो लिखना 0,650, ठीक है। आगे देखिए फिर, अब 1 में 700 बाय में 300, तो 1 में 700 यहाँ मिलेगा यहाँ, बाय में 300 यहाँ, ये दोनों मिलेगा कहाँ, तो इधर जाएगा इधर जाएगा, ये देखिए इधर ऐसे जा रहा है इधर जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको खाली कर देना है, ये पाई नहीं पारना है, पाई पार के बाबू आपको खाली दिखा रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये बना है 700 और 300 से, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 700,300, ठीक है। अब दोनों जो है पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है दोनों पॉइंट सीधा से स्केल से, ठीक है। इस तरह से तीर का निशान कर दीजिए और रेखा पर जो है ना बाबू समीकरण लिख देना है, रुकिए थोड़ा सा इसको भी करिए। नीचे है 100, निचला को देखिए यहाँ पर 100 बाय में 400, तो 100 तो यहाँ मिल जाएगा, बाय में 400 यहाँ मिल जाएगा, दोनों मिलेगा कहाँ, तो ई वाला यहाँ, ई वाला नीचे से यहाँ जाएगा, यहाँ ना मिलेगा बिल्कुल। हाँ समझ में आया, ये रेखा ऐसे पार ना देना है, खाली पॉइंट देना है, हम काय पार रहे हैं आपको समझ रहे हैं, काय आपको दिखा रहे हैं, ऐसा ना कि बाद में दिखाई ना दे। बना है किससे, तो बना है 100 और 400 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 100 क्या लिखना है, 100,400, 100,400, 100,400, ठीक, छोटा अक्षर में लिख देना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर है 700 और 200, 100 में 700 बाय में 200, तो 100 में 700 यहाँ मिलेगा, बाय में 200 यहाँ, तो ये दोनों मिलेगा कहाँ, यहाँ पर मिलेगा, ठीक मिल गया, तो मिल गया था, इसको लिख दीजिए किससे बना है, तो 700,200 से, तो यहाँ लिखिए 700,200, ठीक है। अभी दोनों पॉइंट को मिलाइए, दोनों पॉइंट मिल गया, आगे बढ़ेगा इस तरह से, अभी बस अब दोनों को समीकरण लिख देना, पहलका के समीकरण क्या है, तो पहलका का समीकरण यह है, तो यहाँ लिखना है x+2y=1300, ठीक है। नीचे वाला का समीकरण लिखिए, नीचे वाला है सेकेंड, x+3y=1300, बस यही हो गया आंसर। हाँ ग्राफ को बाबू अगर आगे बढ़ावेंगे ना, तो दोनों कट जाएगा, जहां कटेगा वही आंसर हो जाता है, जहां कटेगा वही आंसर हो जाता है, एक तो बाइक के बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कटा भी नहीं, आगे बढ़ाने से स्केल से सीधा जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर हम लोग तो नहीं पूछा जा रहा, खाली रूप में दिखाना है, बस दिखा दिए, ठीक है। चलिए तो ये हुआ दूसरा नंबर, आइए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है कि 2 केजी, क्या 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, किसी दिन 160 रुपया था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया, ठीक है। फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, इस स्थिति को बीज गणित एवं ज्यामितीय रूपों में लिखना, बस वैसे ही लिखना है, देखिए हाँ 2 केजी सेब, क्या है 2 केजी सेब, तो माना कि पहले बाबू हम लोग मानेंगे कि 1 केजी सेब का मूल कितना, तो कुछ मान लीजिए, फिर 1 केजी अंगूर का मान लेना है कुछ, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि 1 केजी सेब बराबर क्या रुपया, तो 100 रुपया, और फिर 1 केजी, क्या 1 केजी अंगूर बराबर कितना, तो 22 रुपया हो गया, ठीक इतना। चलिए आप प्रश्न से, प्रश्न में है कि 2 केजी से, 2 केजी, तो 1 केजी सेब का 100 रुपया, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, तो 2 1 तो लिखेंगे 2 1 से, फिर बाबू 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का 22 रुपया, तो ये खाली 22 रहेगा,
अब दोनों के जोड़ेंगे तो कितना 160, तो बराबर में क्या लिख देंगे 160। हो गया काम क्लियर, दोनों में कॉमन कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है तो ना हो रहा है, इसको समीकरण एक कर दीजिए। और फिर पूना प्रश्न से अभी आधे ना पढ़े हैं तो लिखेंगे पूना प्रश्न से तो पूना प्रश्न से क्या है कि 4 केजी सेब है, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी का हो जाएगा क्या, तो 4 एक से, तो लिखेंगे 4 एक से। प्लस में आगे 2 केजी अंगूर का, तो 1 केजी अंगूर का 2 रुपया यहाँ है, तो 2 केजी अंगूर का हो जाएगा 2 2 होगा ना, और दोनों के जोड़ के 300, तो बराबर में क्या लिखेंगे 300। इसको करेंगे समीकरण 2। हो गया समीकरण 2, बात समझ में आया। अब बाबू समीकरण 1 और 2 से चलना है, तो हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि बीज गणितीय ज्यामितीय, तो बीज गणितीय रूप तो यही हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए आंसर बीज गणितीय हो गया। अब ज्यामितीय रूप में तो समीकरण को यहाँ से लेकर के चलना है, समीकरण 1 है 2x + y = 160 है। यहाँ पर बाबू एक बात थोड़ा सा और देख सकते हैं कि यहाँ कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, लेकिन कॉमन मान लीजिए हो रहा है, हम कॉमन नहीं लिए तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अगर मन है तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 2 तो छोटा हो जाएगा, लेकिन ना मन है तो कोई जरूरत भी नहीं, छोड़ दीजिए, अभी तो हम लोग से छूट जा रहा था ना, तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। ताकि ऐसा नहीं है कि ना कॉमन लेंगे तो गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इसको क्या करेंगे लिख देंगे समीकरण 2। बात समझिए, कॉमन में कोई झंझट नहीं पालना है, 2x + y = 160 लिखेंगे समीकरण 1 से ग्राफी में। समीकरण 1 से 2x + y = कितना, तो 160, ठीक है। बॉक्स बनावेंगे, यहां x यहां y, ठीक है। आगे फिर समीकरण 2 है, 4x + 2y = 300, उसको लिखेंगे समीकरण 2, उसको भी यहां पर लिख लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो 4x + 2y = 300 है, तो लिखेंगे 300। यहां x यहां y, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर x में कुछ x के जगह पर कुछ रखेंगे, अगर x के जगह पर 0 रख लेते हैं तो y का मान जाएगा कितना, तो 160। 160 बड़ा दिखाई दे रहा है कि ना, तो इसलिए 160 को छोड़ेंगे, x के जगह पर कुछ और रखिए, तो x के जगह पर मान लीजिए 10 रखेंगे तो हो जाएगा 20 से रू ना 20, अब 20 जाकर उधर घटेगा तो 140, 20 से भी ना काम चला। 50 रखेंगे तो हो जाएगा 50 रखेंगे 100, बिल्कुल x के जगह पर रख लीजिए सीधा सीधा 50, समझिए, तो 50 दूर हो जाएगा 100, 100 जाकर उधर घटेगा, 100 जाकर उधर घटेगा, 160 में से 100 घटा तो खाली 60 हो जाएगा, तो y का मान क्या जाएगा 60। देखिए दोनों 50 और 60 लगभग मांग गया है, तो लगभग मांग गया, बिल्कुल सही आया है। आगे देखिए y के जगह पर रखिए मान लीजिए 0, तो दूर से कटेगा तो 80 बार में, ठीक है। y के जगह पर 0 रखते हैं ये पूरा 0, तो दूर से 160 कटेगा 80 बार में, तो 80 आ रहा है, तो अगर मन है तो ले सकते हैं, हमको ना मन है, हमको मन है कि यहाँ पर 10 और रखते हैं, y की जगह पर 10 रखेंगे तो उधर घट, अच्छा 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह पर घटेगा तो 150, एक तो फिर रख ही दीजिए, देखिए y की जगह पर 0 रख रहे हैं, ठीक है, पूरा हो जाएगा 0, तो दो से कटेगा कितना बार, 80 बार में, तो एक समान आ जाएगा 80, ठीक है, 50 60 80 लगभग में है, ठीक चलेगा। चलिए अभी नीचे आ जाइए, तो नीचे बाबू एक के जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 150, दो से कटेगा 300, दो से 300 कटेगा कितना बार में, 150 बार में, ठीक है। चलिए बच्चा नहीं, अथवा क्लास को आप लोग शेयर भी करिएगा, एकदम बच्चा नहीं जो मन थोड़ा नहीं लगता है ना। चलिए यहां पर x के जगह पर बाबू 0 रखे तो आ जाएगा 150, 150 हम लोग को लेने का मन नहीं, कहा कि बड़ा है, यहाँ पर रखेंगे 10, तो 10 रखेंगे तो कितना जाएगा, तो 40, 40 घटे से कोई ज्यादा नहीं अंतर है, 50 रख देंगे तो 50 चौका 200, वाह हो जाएगा, 50 रखिए x के जगह पर तो लिखेंगे 50, समझिए यहाँ पर बाबू 50 रखेंगे तो 50 चौका क्या हो जाएगा 200, प्लस में यहाँ पर 2y, ठीक है, और उधर में 300, ठीक है, तो 2y = जाके उधर घटेगा तो 200 300 में से तो 100 बचेगा, काटेगा के बार में तो 50 बार में, तो y का मान भी आ गया 50 से, ठीक है। अब y का जगह पर कुछ रखेंगे तो y के जगह पर रख देंगे मान लीजिए 0,
जीरो रखेंगे तो चार से कट जाएगा 75 बार में, आ तो जाएगा। बाय की जगह पर सीधा सीधा जीरो रखिए तो चार से कटेगा जाकर 300 कितना बार में, 75 बार में। बुझा रहा है बाबू, बुझा रहा है आप लोग को, अन्ना बुझा रहा था इसको अलग, जिससे हल भी कर सकते हैं, हल करने आना चाहिए खाली। कि बाय की जगह पर जीरो रखे थे, पूरा हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या, चार एक्स बराबर उधर क्या बचेगा, तो 300। तो एक्स बराबर हो जाएगा 300 बटा में चार, कटेगा 75 बार में ना, बिल्कुल। तो 75 लिख दिए, अब इतना आ गया, तब इसको ग्राफ पर लेकर आ जाइए। लास्ट प्रश्न इसे थोड़ा सीख लीजिए आराम से। सबसे ज्यादा इसमें कितना बाबू, तो सबसे ज्यादा 80 है, कम में वही जीरो है, मतलब कि 10-10 को रखेंगे तो 8 तक जाना है, कितना जाना है 8 लाइन। चलिए आइए ग्राफ में, उतना नीचे जाने की जरूरत नहीं, माइनस में नहीं ना है, माइनस में है एक बाबू, एक माइनस में नहीं है, नहीं है तो माइनस में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, खाली थोड़ा सा इसे निकाल दीजिए, ठीक है। प्लस में हम लोग को जरूरत है तो प्लस में जाइए, जहां तक जरूरत है, जहां तक सीधे इस तरह से ऐसे ऐसे करिए। ऊपर में क्या होता है तो बाय, नीचे में तो बाय डैश, इधर में एक्स डैश, इधर में एक्स, यहां में जीरो, ठीक है। चलिए क्लास को बाबू थोड़ा आप लोग शेयर करिएगा, जो क्लास 10 के बच्चे हैं ना, क्लास को क्या करना है, शेयर करना है, और डेली बाबू 7:15 में आना है, मैथ सिखाते हैं, आराम से सीखना है 7:15 में। चलिए तो देखिए कि यहाँ पर हम बाबू मान इसका रखेंगे, सबसे पहले कितना लेंगे 10, फिर यहाँ पर 20, फिर आगे 30, चलिए 40, 50, 60, कहां तक हम लोग को जाना है, तो सबसे बड़ा 80 तक ना है, तो 80 तक चले गए। अब आगे ऊपर में चलिए, ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, सभी ये वो लिख दीजिए खाली, माइनस में 10, माइनस में नीचे 10, ठीक, माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आइए, एक्स में बाबू, यहाँ एक्स में कितना है 50 और बाय में 60, तो एक्स में 50 यहाँ पर मिलेगा, देख रहे हैं, अब बाय में 60 कहाँ मिलेगा, यहाँ, ये दोनों कहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट इधर जाएगा, ये नीचे से इधर जाएगा, दोनों मिलेगा यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको इस तरह से ऐसे कर देना है, क्या कर देना है, इससे बात बुझाया, अब इस पॉइंट का नाम लिखेंगे, बना है किससे, तो पहले का से 50 और 60 से, यहाँ पर लिख दीजिए 50 कौमा क्या तो 60, ठीक है। अब इसका देखिए इधर वाला 80 या जीरो है, तो एक्स में ऊपर में एक्स है, एक्स में 80 है, बाय में जीरो, तो एक्स में 80 मतलब लास्ट में जाना, बाय में जीरो, जीरो मतलब ना ऊपर ना नीचे, मतलब यहीं पर, ठीक है। ये बना है बाबू किससे, तो 80 या जीरो से, 80 या जीरो से, तो लिख दीजिए 80, 0, 80, 0। अभी दोनों पॉइंट को मिला दीजिए सीधा स्केल से, दोनों पॉइंट को क्या करना बाबू, स्केल से सीधा मिला देना है, सीधा करके, यहां पर वो सीधा नहीं हो सकता इससे ज्यादा, चलिए सीधा करके मिला देना है। अभी इस जो समीकरण से बना है उसका नाम लिख दीजिए, समीकरण है 2x + y = 160, तो यहां पर लिख देना है, क्या लिख देना है कि 2x + y = क्या है, तो 160, बस इस तरह से हो गया इसका आपका काम। आगे आगे चलिए, अगला है यहाँ पर देखिए कि x में 50 बाय में 50, इसको देखिए x में भी 50 बाय में भी 50, तो x में 50 तो यहाँ मिलेगा, अब बाय में 50 यहाँ, ई जाएगा बाबू इधर, ई जाएगा नीचे से ऊपर, तो दोनों मिलेगा कहीं यहीं पर ना, देखिए ई इधर से आया और यहाँ से आया, दोनों टकराया, उस पॉइंट को लिखिए, बना है किससे, तो 50, 50 से, तो लिखेंगे 50, 50, ठीक। अगला पॉइंट देखिए 75 है जीरो, एक्स में 75 बाय में जीरो, तो एक्स में 75 तो 70 और 80 के बीच में मिलेगा क्या, 75, ठीक है, बाय में जीरो, बाय में क्या जीरो, मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, यही पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 75, 0, इसको क्या लिखेंगे 75, 0, आई दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, टकरा रहा, सीधा क्या करना बाबू, सीधा मिला देना, सीधा क्या करना, मिला देना, आगे से निकाल सकते हैं, ऊपर में ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक।
इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से हो गया। अब इसका समीकरण क्या है, तो चार एक्स प्लस टू बराबर 300 है, तो लिख दीजिए यहां पर जाकर के कि चार एक्स प्लस में टू बाय बराबर में 300। सीधा से करिएगा बाबू, बिल्कुल अच्छा रहेगा, सीधा से करना माँ का लाडला। यस सर बाबू, थोड़ा क्लास को आप लोग क्या करना है, शेयर भी करना है, मजा नहीं आ रहा है पहले जैसा। चलिए डेली होगा क्लास शाम के इसी टाइम 7:15 में आए थे, 7:15 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 समाप्त किए हैं। अब कल इसी तरह से प्रश्नावली 3.2 में आना है, ठीक है। चलिए आराम से आपको मैथ सिखाते हैं, चलना है, क्लास को समाप्त करते हैं। थोड़ा शेयर पर भी ध्यान देना है, पढ़ना है, फ्री में ही तो पढ़ाई हो रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।